अब दो फ्रैक्शंस मान लीजिए दिए हैं, 2/3 एंड 3/4। अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है, कौन सा ग्रेटर है, ये सब पता लगाना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यदि मैं ये पूछूं आपसे 1/6 ज़्यादा बड़ा है या 2/6, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2/6 ग्रेटर है, क्योंकि उस डिनोमिनेटर नीचे का सेम है और ऊपर का न्यूमरेटर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। तो इसकी एक टेक्निक ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो हम ये देख सकते हैं, ठीक, 4 × 8, ये 8/12 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 को ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और 3 × 4, ओके, 12। और इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया। देखिए, अब डिनोमिनेटर नीचे के दोनों के बराबर हो गए। अब आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ दिख रहा है 9/12, ऊपर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि 5/6 ज़्यादा बड़ा है या 6/7। ओके, फिर से वही तरीका। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। ओके, तो 7/5 = 35, और 35/42, इसी तरह ये हो गया 36/42। तो आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं और उनकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं।